हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइकोट सीट के बारे में। डाइकोट सीट जो होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जो है बेसिकली आपको बोटनी का पार्ट है, प्लांट क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाइकोट सीट जो होता है उसको पहचानने की क्या विधि है, और उसके लीव्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आप रूट देख के कैसे बता सकते हैं कि उस वो जो पौधा जो है डाइकोट सीट का है या मोनोकोट सीट का है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उसके लीव्स के बारे में कि उसके लीव्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक, आगे चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए डाइकोट सीट क्या होता है। डाइकोट सीट जो होता है वो उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे एज लाइक ग्राम की बात करते हैं हम लोग, चना की बात करते हैं। चना जो होता है, जब चना को आउटर कवर को जब हम निकालते हैं तो उसमें से क्या होता है, उसके अंदर से दो पार्ट्स निकलते हैं। तो ऐसे बीज आपको दिखाई दे, जैसे बेसिकली हम बता दें आपको कि जितने भी पॉल्सेस होते हैं, जितने भी दाल होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, डाइकोट सीड होते हैं। जैसे ग्राम्स हो गया, पी हो गया यानी मटर हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, बंगला हो गया, ये सभी जो होते हैं, मूंग हो गया, ये सभी जो है क्या है आपको डाइकोट सीड है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि मेरे एग्जाम्पल समझ गए होंगे आप, कि हमारा मेरा एग्जाम्पल देने दे रहे हैं उससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि डाइकोट सीड क्या होता है। कि वैसे बीज जिनके क्या है दो पार्ट्स होते हैं वो जो होते हैं डाइकोट सीड होते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहेंगे तो हम लिख भी सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे आपको बता दें डाइकोट सीड में उसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक रेखीय नहीं होते, लंबे लंबे होते, लंबे लंबे नहीं होते, चौड़े होते हैं, सॉरी चौड़े होते हैं। और उसके बीज जो उसके रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपको, टैप रूट होते हैं, लंबे होते हैं। क्या होते हैं, लंबे होते हैं, टैप रूट जैसे होते हैं। ठीक है, आगे चलिए हम समझाते हैं आपको। अब देखिए इस वर्ग के जो पौधे हैं, इस वर्ग के जो पौधे हैं उनका क्या होता है, दो बीज होता है। डाइकोट सीड में क्या होता है, बीज के दो पार्ट्स होते हैं। बीज के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। और इसके पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। और इसके जो आपको रूट जो होते हैं, इसके जो आप क्या बोलते हैं, उसके जड़े जो होते हैं, जड़ जो होता है वो क्या होता है, टैप रूट होते हैं, यानी प्राथमिक जड़े होते हैं, प्राथमिक जड़े होते हैं इसके। ठीक है, लंबे लंबे होते हैं और इसके अंदर से क्या निकले रहते हैं, सेकेंडरी रूट निकले रहते हैं। जैसे आपको बता दें, ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल बताते आपको, आप डाइकोट सीड, जैसे आप सरसों देखे हैं, मस्टर्ड देखे हैं, क्या देखे हैं, सरसों देखे हैं। सरसों भी क्या आता है, डाइकोट सीड के थ्रू आता है। सरसों के जब आउटर कवर निकालते हैं तो उसमें से भी दो पार्ट्स निकलते हैं। उसके रूट्स जो होते हैं आपको कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, इसमें से क्या रहता है, पतला पत्ता निकला रहता है। ठीक है, इस तरह से उसके जड़े होते हैं। ठीक है, यानी लंबे टैप रूट में ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसके रूट्स के बारे में। और उसकी पत्तियां जो होती है वो क्या होती है, इस तरह से होती है, बड़ा बड़ा होती है। ठीक है, इस तरह से इसकी पत्तियां होती है, चौड़ा होता है इसका पत्ता जो होता है, क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, और इसके बीज का जो होता है वो दो पार्ट्स होता है। जैसे आप सरसों ले लीजिए, दाल के जो भी पार्ट्स आपको लेना है ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग इसके कुल की बात करते हैं। इसके कुल में कौन कौन से, इसके कुल के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। जैसे आपको क्या है, फूसी फेरी है। पहला क्या है आपको, फूसी फेरी। चलिए हम लोग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से। चलिए हम लोग डाइकोट सीड के कुछ कुल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है क्रूसी फेरी के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, आपके मूली हो गया, सरजम हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, और इसके जो सीड्स होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। और इसके जो जड़े होते हैं वो क्या होते हैं, टैप रूट होते हैं, लंबे होते हैं। दूसरा मालवेसी जो है, मालवेसी में क्या क्या आता है, कपास आता है, भिंडी आता है, गुड़हल आता है। ठीक है, अब आता है लेग्यूमिनोसी में कौन कौन से आते हैं, बबूल, छुईमुई, गुलमोहर, अशोक, इमली। इसके पत्ते जो होते हैं आपको बता दें छोटे छोटे होते हैं। इसके पत्ते जो होते हैं आपको दिखा दें, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं। बबूल के पत्ते हो या फिर छुईमुई के पत्ते हो, छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे। एकदम इमली के पत्ते आप देखोगेगा तो ज्यादातर आप इमली के पत्तों में देखोगेगा, उसके लीव्स जो होते हैं एकदम छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं। या बबूल के लीव्स आप देखोगे तो छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कंपोजिट में आते हैं। सूरजमुखी हो गया, गेंदा हो गया, डालिया हो गया।
ठीक है, यानी लेग्यूमिनेसी में आपको जितने भी सभी दलहन के पौधे जो होते हैं वो आते हैं। दूसरा आता है कंपोजिट सूर्यमुखी गेंदा डालिया आता है, ठीक है। उसके बाद रुटेशी, रुटेशी में कौन कौन आता है, नींबू संतरा बेल, ठीक है। उसके बाद कुकुरबिटेसिस में क्या आता है, खरबूज तरबूज कद्दू परवल करेला, ये सभी आते हैं, ठीक। और उसके बाद एनाकार्डियेसी में आता है आम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया। इधर दो बचा हुआ है सोलोनेसी जो है, उसमें आलू मिर्च बैगन धतूरा टमाटर तम्बाकू। और रोजेसी में आता है आपको सेब हो गया, बादाम हो गया, नाशपाती हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है डाइकोट सीड के क्या है, कुल है, और इसके अंतर्गत इतने पौधे आते हैं, ठीक है। आप इसको अगर दो बार तीन बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो हमको आशा है कि इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम यहां से खत्म कर दिया, डाइकोट सीड मोनोकोट सीड खत्म कर दिया, यानी प्लांट क्लासिफिकेशन मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, आपको बता दें हम लोग मोर्फोलॉजी, प्लांट्स मोर्फोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग प्लांट मोर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के विभिन्न पार्ट्सों के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या क्या होते हैं उसके पार्ट्स में, और उसके सभी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसको आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए, ठीक है।